मेरे चीटियां वीटियां लग रही थी यहाँ पे शायद। वो मोबाइल क्यों? ओ भाई पकड़ 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 पकड़। बैठ बैठ बैठ, कौन है? बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ। कौन है ये? और वीडियो आपकी बना रहा हूँ। मोबाइल किस लिए पकड़ा आपने ये तो बताओ। ओ भाई रोक तो ले यार, स्कूटी गिर जाएगी लड़की। ओ चाबी 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 ठीक है। ये देखो मोबाइल लिया, ये भाग गई, ये मोबाइल लेके भाग गई। मोबाइल पकड़ने के पीछे कोई कारण तो रहा होगा, आप इनको छेड़ दोगे तभी इनने। यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर अ करेक्ट मैन, यू आर अ ग्रेट मैन। आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी मम्मी को। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एचएसबी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस फाइनली आज हम हायाबुसा पे आज हम जा रहे हैं इसका फुटरस लगवाने। आपको पता है लड़के को मैंने बाइक दी थी भाई, बाइक गिर गई थी राइट साइड को, चक्कर में गाइस मैंने फुटरस लगवाना है। बाइक कंपनी से मिलेगा फुटरस, देख लेते हैं कि करोल बाग से मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा। और एक्चुअली गोप्रो भी चेंज करने का सोच रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए कि भाई गोप्रो ना 12 आ जाए तो तभी लेंगे, क्योंकि 12 के अंदर ना बहुत बढ़िया अपडेट्स आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर वाइड एंगल भी है और उसके ना कलर कलेक्शन भी उन्होंने बहुत बढ़िया कर दी है, तो ना इस चीज़ के अंदर क्लैरिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। तो अभी तो यार कभी आवाज़ नहीं बढ़िया आती, अभी रोड का माइक लगाया हुआ भाई, 7-8 हज़ार रुपये का माइक लगाया हुआ, फिर भी कभी आवाज़ सही नहीं आती, कभी क्लैरिटी में कोई इशू आ जाता है और यार कभी वीडियो अटकने लग जाती है। GoPro मेरे पास दो हैं, मैं दोनों यूज़ कर रहा हूँ, बट क्लैरिटी पहले बढ़िया आती थी, बट अब ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। 12 का वेट कर रहा था कि 12 आए और मैं वो ले लूँ, क्योंकि ना 12 के ना बहुत फीचर्स आ रहे हैं कि उसका वाइड एंगल 8 से ज़्यादा है और 10 से भी ज़्यादा है, बहुत सारे फीचर बता रहे हैं और कलर कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा साफ कर दिया गया है। तो मैंने कहा चलो यार अपनी क्लैरिटी में भी थोड़ा फ़र्क आएगा। तो भाई थार देखो वाइट कलर की कितनी बढ़िया लग रही है। जब मैंने लेनी थी ना थार भाई, सब ने मना कर दिया कि भाई वाइट मत लेना, वाइट मत लेना। भाई अंदर से इंटीरियर भी भाई ने वाइट करा रखा है। वाह यार भाई मानना पड़ेगा, भाई मानना पड़ेगा भाई, पता कितनी ज़्यादा केयर है उसकी। और लॉन्डो क्या हाल है, फ़ोन चला रहे हो? फ़ोन पता नहीं किसका आ रहा है, ये अभी फ़ोन आया है। ये मेरा दूसरे वाला फ़ोन ना घर पे रह गया है, तो और भाई रेड लाइट खुल गई, मैं फटाफट ना पहले फ़ोन ले आऊँ उसके बाद निकलेंगे। क्या था, मेरे पास दो फ़ोन रहते हैं, इस फ़ोन में तो यार रिचार्ज भी नहीं करा हुआ, टॉक टाइम नहीं पड़ा हुआ, इनकमिंग तो है अभी वैलिड पर टॉक टाइम आज ही खत्म हुआ है और उसी से रिचार्ज करता हूँ, और वो रह गया भाई घर पे। फिर मैंने फोन को फ़ोन कर दिया कि भाई फटाफट आ जाओ। तो यार मैं उसी से ना टॉक टाइम वगैरह पेटीएम वगैरह मेरा सभी उसी से चलता है, नहीं तो भाई कैश वगैरह तो आजकल कोई भी नहीं रखता। पता नहीं यार एक्चुअली क्या हो रहा है, मेरे ना माथे पे ना कुछ लग रहा है, शायद कीड़ियाँ वीड़ियाँ आ गई हैं, क्योंकि ना पहले भी ना चीटियाँ पड़ रही थी। एक बार ना रुक के देख लेते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ भाई बेटा ले आया फ़ोन, तो तूने छुपा के रखा हुआ मेरे ख्याल से। मोबाइल ले आया भाई, यहाँ पे ना मेरे चीटियाँ वीटियाँ लग रही थी यहाँ पे शायद। वो मोबाइल के ले, ओ भाई पकड़ 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 पकड़। ओ भाई मोबाइल लेके भाग गई। अरे यार ये क्या सीन हो गया भाई, मोहन भाग रहा बहुत तेज। बैठ बैठ बैठ, कौन है? बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ। कौन है ये? कौन है भाई? भाई मोबाइल लेके भाग गई, तेरी दोस्त तो नहीं है? कौन है ये भाई? मोबाइल लेके भाग गई एकदम से। अरे बाप भाई मोबाइल पकड़ा हुआ है। हेलो हेलो रुको यार, मोबाइल किस लिए लेके भाग रहे हो? हेलो भाई वो देखो मोबाइल में वीडियो चल रही है अभी भी। मैं कह रहा हूँ मोबाइल किस लिए लेके भाग रहे हो? और वीडियो आपकी बना रहा हूँ। और भाई रोक तो लो भाई, कमाल हो गई। वो ये क्या समझ रही है, हम पकड़ नहीं पाएंगे भाई? स्कूटी पे भाई जा रही है भाई, हाया भूसा ये। हेलो रोक लो यार, क्यों लेके जा रहे हो, क्या हो गया? ओ मोबाइल किस लिए पकड़ा आपने ये तो बताओ। ओ भाई रोक तो ले यार, स्कूटी गिर जाएगी लड़की। भाई स्कूटी तो रोक लो, हुआ क्या है, मोबाइल किस लिए पकड़ा आपने? रोको यार, मोबाइल किस लिए पकड़ा आपने? मोहन पकड़ी है, कौन है? मोबाइल वो देखो, क्यों क्या हो गया, क्या ड्रामा है? मोबाइल किस लिए लिया आपने? मोबाइल किस लिए लिया आपने ये बताओ भाई। तुम्हारी वीडियो थोड़ी बनाई है मैंने भाई, वो कैमरा तो बंद करो। ओ यार आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपकी वीडियो मैंने तो आपको देखा ही नहीं, मेरे पास कैमरा चल रहा है। ये तुम्हारी वीडियो बताओ यार, मैंने सेल्फी कैमरा चालू करा यार। और यार मैं उससे ये देख, मैं दूसरा मोबाइल लेने आया उनसे, मेरा घर है वहाँ पे। नहीं
बैग लेके घूम रहे कि मेरे को क्या समझ रहे हो, कुछ भी बोलते जाओगे मेरे को। भाई हमने तो कुछ बोला ही नहीं। ओ मैडम जी मेरी बात सुनो, आपको गलत फहमी हो रही है। मैंने मोबाइल उठाया, उठा के मैंने सर भाई तुम्हें क्या बोला मैंने यार, क्या हो गया यार, किसका किसी का गुस्सा मेरे ऊपर उतार रहे हो? ओ यार मेरी बात सुनो, ये कैमरा लग रखा है, वो मोबाइल नहीं है, कैमरा है ये वाला। ये कैमरा नहीं है, क्या करूँ फिर इसका? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये कैमरा नहीं है ये बताओ पहले। यार मैंने मोबाइल निकाला, अपने मोबाइल क्यों छीना? मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा और प्लीज। ये क्या हुआ, चाबी क्यों निकाल लो? वो चाबी चाबी ड्रामे करने यार, ये क्या बात है, आप पागल हो गए थोड़े से? क्या पागल हूं मैं? नहीं चाबी किस लिए निकाल रहे हो आप? यार पहले आपने फोन ले लिया, अब आपने चाबी पकड़ ली। वीडियो बना रहा आंटी, आप एक काम करो ना, मोबाइल में खोल के दिखा दो। आप मोबाइल खोल के दिखा दो ना, वीडियो आपकी बना रहा हूँ, मोबाइल खोल के दिखा दो। मैं जो दिखाओ तो यार एक बारी, हमें भी तो पता लगे ना, दिखाओ तो। आप लड़ाई मत करो खाम खा, मुझे परेशान मत करो, मोबाइल दो यार। ये कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रखा है, सबको दिखाऊंगा मैं। छोड़ना बेटे, क्या फर्क है? बताओ यार आंटी जी, कमाल हो गई यार तुम्हारी। कहती मेरी वीडियो बना रही है, कैमरा ये लगा हुआ है, कहती मोबाइल में तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, ये मोबाइल ये कैमरा चल रहा है। अच्छा मैं मोबाइल में दिखाऊँ तुम्हारी वीडियो है? और नहीं गलती हुई भाई, मेरी बात सुन ले, मैं इसको बोल रहा हूँ कि तू ना अपना मोबाइल खोल के ना वीडियो दिखा दे। मेरा मोबाइल खोल के वीडियो भी नहीं दिखा पा रही वो। अच्छा दिखा तो दे, दिखा तो दे ना, दिखा यार। वही बात है ना यार, रोड पे सारे खड़े हुए हैं, मैं पागल, मैं भाग नहीं जाता अभी तक। अच्छा मोबाइल में तो दिखाओ, इतना तो करो मोबाइल दिखाओ तो। चलो यार ये देखो, इधर आओ, सबको दिखा दो, मेरा कैमरा चल रहा है भाई, सारे देख लो भाई। ये देखो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, अभी देखना। हाँ मेरी बात तो सुन लो एक मिनट, सबको दिखा देता हूँ, सारे खड़े हुए हैं ना भाई। ये देखो ये मेरा कैमरा ऑन है, अभी देखना, फ्रंट कैमरा चल रहा है, मेरी शक्ल दिख रही है भाई। ये देखना मैंने ऐसे कैमरा पकड़ा, अभी देखना आगे करके। ये देखो ये पीछे से आई, उनको पागल क्यों बना रहा, मैंने जो देखा। ये देखो मोबाइल लिया, ये भाग गई, ये मोबाइल लेके भाग गई। अब बताओ कौन गलत है भाई, भाई ये बता गलत कौन है, अब ये बता। अब भाई ये तेरे सामने मोबाइल वीडियो, अब बताओ, अब मैं गलत होता तो मुझे वो मारते। अब यार सबने देख ली वीडियो, देख ली भाई, ये खाम का तमाशा कर रही है भाई। चाबी दो यार खाम का, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, चाबी दो यार। तो यार मोबाइल मोबाइल क्यों खींचा आपने, गलत कौन है भाई बताइयो, वीडियो देखी है ना तूने? चाबी दो यार खाम का, यार तमाशा मत बनाओ, चाबी दो। यार देखो यार रोड पे कितना तमाशा बना रहे, देखो कमाल हो गई यार। और चाबी दो, सबको पता लग चुका, खाम का परेशान मत करो, आप भी मत हो, चाबी दे दो प्लीज। मैंने आपसे ये देखो यार वीडियो देख लो, चलो यार इनको भी दिखा देते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ सेल्फ। ये देखो ये देखो, हाँ देखो देखो, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ये देखो ना यार एक बार देखो तो, ऐसे ही मेरा सेल्फी कैमरा चल रहा था, आपको लग रहा मेरा बैक कैमरा चल रहा था, मेरा कैमरा ऐसे था ना कि ऐसे था, ऐसे नहीं था मेरा कैमरा, अब समझ गए? अब गलती किसकी, अब सॉरी नहीं बोलोगे मुझे, गलती किसकी है? नहीं नहीं आंटी जी कोई गल नहीं, कोई गल यार ऐसे ना किसी को ऐसे नहीं बोलते, मैं सेल्फी कैमरा चल रहा था। कमाल हो गए यार तुम्हारी भी है भाई, ये कैमरा लगा हुआ भाई। मैं तो रुका था एक्चुअली, आपने चाबी निकाल ली एकदम से, यार बताओ ऐसे थोड़ी करते हैं। मोबाइल पकड़ने के पीछे कोई कारण तो रहा होगा, आप इनको छेड़ लोगे तभी इनने। सुनो तो पहले, खड़ी हूँ एक चीज बोलूँ, या फिर आपने पीछे से बैक शॉट लिया होगा। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, इतनी अक्कल तो मुझे भी है, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकोलॉजी। आपने शायद तक इनका गलत एंगल से वीडियो लिया होगा और इसलिए इन्होंने आपका मोबाइल पकड़ दिया, ऐसा कुछ हुआ? ठीक है अब आपने बोल दिया, मेरी बात सुनो, अब क्या हुआ, अभी इन्होंने मुझसे सॉरी बोली है। साइड हट जाओ, मैं सुलह कर दूंगी, मैं जर्नलिस्ट। एक बार फोन दिखाइए, एक बेटा ये फोन पकड़, ये देखो एक मिनट इधर आओ, ये लो ये मेरी पहली वीडियो है, ठीक है इसमें कुछ नहीं है। अब देखना एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ये फ्रंट कैमरा चला मेरा, अब देखना फ्रंट कैमरे में, ये देखना पूरी वीडियो चल रही है, पीछे से आई है, ये देखो ये देखो ये देखो, प्लीज देखो देखो तो, ये पीछे से आई,
अब देखना, ये मैं अपनी सेल्फी वीडियो बना रहा हूँ, बट इनको लगा कि बैक कैमरा चल रहा है, ये मेरा फोन पकड़ा, ये भाग गई। हाँ, ठीक है। अब बताओ ये कौन गलत है? ठीक है, कोई भी यार गलत तो बताओ कौन है। अब कोई गलत, लेट मी एक्सप्लेन इस सिचुएशन में क्या हुआ। हम भाई सब जाओ भाई, देखो यार पूरा जाम लग गया, मैंने मी टू मूवमेंट सब कुछ कवर किया है। तो कोई गल नहीं आंटी जी, कोई गल नहीं, छोड़ो छोड़ो उनका, ये मैं जानते भी नहीं। अभी सोचो कि मैंने मी टू मूवमेंट कवर किया है तो मुझे मेल राइट्स के बारे में भी पता और फीमेल राइट्स के। अब ये बताओ गलत कौन है, मुझे ये तो बताओ। उसने मुझसे सॉरी बोली है, उसने मुझे सॉरी बोला है अभी। okay, okay, वो पता क्यों बोला है? क्योंकि मेरा बैक कैमरा नहीं चल रहा था, मेरा फ्रंट कैमरा चल रहा था। सिचुएशन में हम गर्ल्स है ना इंडिया में, हमारे साथ आए दिन ऐसा हादसे होते हैं जहाँ हम लोग कहीं पे बस में भी बैठे होते हैं, हमारा मेल वीडियो ले रहा होता है। बिल्कुल होता है। तो अभी हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऐसा हो गया है, अगर हम लोग मेट्रो में भी जा रहे होते हैं, अगर गलती से किसका हाथ लग जाता है तो हमें लगता है कि वो हमें छेड़ रहा है, हमारे माइंड सेट ऐसा। अब यार देखो मैंने आपके पास, ठीक है, आपने इसका वीडियो नहीं लिया तो भी हमारे इंस्टिंक्ट में वो हो गया कि कोई लड़का हमारा गलत एंगल से वीडियो कैप्चर कर रहा है। सर इसमें ना आपकी गलती है ना इनकी गलती। फिर उन्होंने सॉरी क्यों बोला, मुझे मेरी गलती नहीं, मैंने मेरा, ये देखो देखो मेरी बात सुनो, मेरा फ्रंट कैमरा चल रहा था, बैक कैमरा नहीं चल रहा, इनको लगा मैं इस कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, समझे। अब तो भाई फिर मेरे मुझे इतना कुछ बोला इन्होंने, वो चीज नहीं आपने देखी। आप समझाओ एक बार इनको। अंडरस्टैंडिंग हुई सर, आप अभी इस सिचुएशन में समझो, हम जो कंट्री में रहते हैं उधर इंडिया में आए दिन लड़कियों के साथ हादसे होते हैं कि नहीं, लड़के वीडियोस बनाते हैं। यार आपको, या मैं आपको बताता हूँ, आप ठीक कह रहे हो, अभी बताऊँ, लेकिन एक चीज बोलूँ, इधर दिमाग में ऐसा बैठ गया कि हम लड़कियाँ जब रात को आधी रात को चलेगी हमारे साथ कुछ गलत होगा तो ये इनके दिमाग में माइंड इमेज क्रिएट हो गई है। तो आप गंदे नहीं हो, यू आर नॉट अ बैड मैन, यू आर अ करेक्ट मैन, यू आर अ ग्रेट मैन। आपकी गर्लफ्रेंड को, आपकी मम्मी को, किसको भी पूछ लो, आपकी सिस्टर को, यू वुड बी अ ग्रेट सन, यू वुड बी अ ग्रेट पार्टनर, यू वुड बी अ ग्रेट स्पाउस। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नो मैटर व्हाट, लेकिन आज की डेट में सारे, यार आपकी बात ना, मैं सारी बातों को ना एक ही बात बोलता हूँ, सुनो प्लीज एक बारी मेरी बात सुन लो, आप कितनी देर से बात सुन रहा हूँ। बात ये थी, मैं सेल्फी वीडियो ले रहा था और इनको लगा बैक कैमरा चल रहा है, जब इन्होंने आके वीडियो देखी इन्होंने मुझसे सॉरी बोली। आपने जो बात बताई है, जो राइट्स दिए हैं, मैं बिल्कुल उसको फैक्ट है, और ये गलत नहीं थे, मैं इनको भी बोल रहा हूँ। पता क्यों? क्योंकि मेरा बैक कैमरा नहीं चल रहा था, ये भी हालांकि कैमरा लगा हुआ गोप्रो, इसमें रिकॉर्डेड है सारा कुछ, और मैंने इनको आके जब बोला ना, फिर इन्होंने मेरी बाइक की चाबी दी। ये चीज था, आपका भी अप्रोच मैडम गलत था, सर आपका भी अप्रोच गलत था। मेरा गलत नहीं था, मेरा सही था, मैं गलत हूँ ही नहीं। हाँ मेरा सही था, ठीक है, मैं गलत होता तो मैं अभी तक कुछ ना कुछ बोलता नहीं। ये सोसाइटी का माइंड इमेज ब्रेक करना पड़ेगा, फर्स्ट की पॉइंट है। पहली बात तो इनको माइंड ठीक कर, हर लड़के भी गलत नहीं है ना, यही चीज है ना, और लड़कियाँ भी गलत नहीं है, हर लड़की भी सही नहीं है, ये भी चीज है। सोच की बात है सारी, ये सब सारी सोच की बात है, और कोई। अब देखो मेरी सोच में गलत होता ना तो मैं कुछ बोलता, आपको प्रूफ दिखा दिया, इससे ऊपर बंदा क्या कर सकता है ना। चलो छोड़ो यार, छोड़ो इस बात को, ठीक है। नहीं नहीं मैं समझ गया, मेरे पास टाइम नहीं, एक्चुअली मुझे भी जाना, जो आप बातें समझा रहे हो बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, ठीक है। बस मैं यही बोलूंगा, आपको यही बोलूंगी सर, हम तो सोसाइटी में रहते हैं ना। मैंने तीन बार ही सुन ली अगली बात आपकी। अरे कहना क्या चाहते हो? अनसेफ है, तो अगली बार आपके साथ कोई ऐसा सिचुएशन, तभी तो रोका मैंने, तभी तो कुछ बोला नहीं। सेंसिटिव होना पड़ेगा टुवर्ड्स फीमेल कि ठीक है दीदी आपके साथ कुछ। भाई मैं तभी तो प्यार से बात करी मैंने इनसे, आपने देखा था ना दीदी ये बाइक भगा के जा सकते। अभी भी देखो चाबी लग रखी है और वो स्टार्ट है बाइक। इनका मोबाइल से कोई फर्क नहीं, आपने इनका मोबाइल लिया, ये है ना कम्प्लेन करते आपका, इनके पास आपका अभी आते आप स्कूटी का नंबर याद कर लेते और बताओ। बट ये चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और दीदी ये इमेज हम औरतों को भी दिमाग से निकालनी पड़ेगी कि हर लड़का गलत है, माना हर लड़का गलत नहीं है, हर लड़का गलत, मैंने यही बोला। हाँ, हर लड़का गलत नहीं है, पड़ेगी ये इमेज निकालनी पड़ेगी का मतलब क्या है, हर लड़का गलत नहीं और हर लड़की भी गलत नहीं है और हर लड़की ठीक भी नहीं है, लेकिन लड़के हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, जहाँ रावण था वह राम भी तो थे। चलो छोड़ो अब ये वाली चीज आपकी, मैं समझ गया हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, बलि भी थे, ठीक है। चलो यार आप जी जाओ, कोई बात नहीं, आपने भी बात सुन ली, जा वहाँ पांडव भी थे और कृष्ण भगवान भी थे ना, ठीक है। चलो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया, मुझे अच्छा लगा। ओके थैंक यू, थैंक यू, बैठ बेटा। चलो
लिए दोनों हाथ मिला और अच्छे दो। चलो ठीक है, लो जी हाथ, ठीक है, ओके भाई, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज, बहुत अच्छा लगा, ओके बाय। चलो गाइस, लो जी भाई सारे यहाँ पे रोड जाम हो गया पूरा। वो गर्ल ने बहुत बढ़िया गाइड करा, वो लड़की जो समझा रही थी ठीक है यार उस बात को, बट यार हर लड़का गलत नहीं होता। लड़कियों के साथ ना सोसाइटी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वो ये चीज़ें बोल रही थी लड़की। तो लड़कियों की थिंकिंग है ना यार इतनी भी ज़्यादा गलत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जैसे बोला कि भाई मेट्रो में जाता कोई टच कर देता है, किसी से गलती से भी हाथ लग सकता है।